स्टूडेंट्स, अभी तक हम कहने क्या है क्या क्या पढ़ा था, पोरीफेरा स्टार्ट किया था। हमें पता लगा कि ये कैसे होते हैं, जिन एनिमल्स के अंदर पोर्स पाए जाते हैं वो पोरीफेरन से होंगे, बहुत ज़्यादा ये पुराने हैं, ये चल फिर नहीं सकते और ज़्यादातर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे इनके शरीर में पानी जाता है उन्हें हम ओस्टियम या ओस्टिया कहते हैं, और जो बड़ा पोर्स है उसे हम ओस्कुलम या ओस्कुला कहते हैं, और जो अंदर बॉडी कैविटी है उसको हम स्पॉन्जियोकोइल कहते हैं। इनके अंदर ये शो करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी प्लान शो करते हैं सेल एग्रीगेट, और ज़्यादातर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। देन हमने देखा कि जो आउटर लेयर है, जैसे हमारे अंदर स्किन होती है, तो वो आउटर लेयर को क्या कहा गया, पिनेकोडर्म। और इसके अंदर दो सेल्स थे, एक तो पिनेकोसाइट्स और दूसरे सेल जिनके अंदर से पानी आ जा रहा था उनको कहा गया पोरोसाइट्स। देन इनर लेयर है इनकी, इनर लेयर में क्या है, फ्लैजिला वाले सेल्स प्रेजेंट थे जिनको हमने फ्लैजिलेटेड कॉलर या काइनोसाइट्स कहा, और इस लेयर को गैस्ट्रल लेयर या काइनोडर्म कहा गया। क्या कहा गया, गैस्ट्रल लेयर या काइनोडर्म, ठीक है जी। देन बीच में क्या है, बीच में गैलेटिनियस, ये आप देख रहे हैं येलो येलो जो है, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया मीजोग्लिया, नॉन सेलुलर गैलेटिनस लेयर को कहा गया मीजोग्लिया। क्या कहा गया, मीजोग्लिया। ये बच्चों ये है जो बीच वाली, और इस मीजोग्लिया के अंदर क्या है बच्चों, ये धागे धागे, जैसे पार्क्स में आपने देखा लोहे के डायनासोर बने होते हैं, उन डायनासोर्स में क्या है, पहले क्या है लोहे की तारों से डायनासोर बनाया जाता है, फिर घास भरी जाती है, वैसे ही क्या है इनके अंदर, ये ऐसे कुछ स्टार जैसे और ये धागों जैसे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो ये स्टार्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स यानी सुइयां, जो किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिका की। और जो ये धागे पाए जाते हैं इनको कहा जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या कहा जाता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है जी। तो अब हमें पता लग गया कि इसके अंदर बीच में तो क्या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और इनर और आउटर दो ही लेयर है, बाहर की लेयर को पिनेकोडर्म कहा गया और अंदर की लेयर को गैस्ट्रल लेयर या कैनोडर्म। तो ये कैसे एनिमल हुए, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक। तो ये कैसे हुए, डिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है जी। तो वही बात, अब इनकी बॉडी के अंदर जो मीजोग्लिया है इसको क्या कर रहे हैं, ये इंटरनल स्केल्टन है, मीजोग्लिया इंटरनल स्केल्टन है, और जो ये फाइबर प्रोटीन फाइबर्स हैं, ये स्पॉन्जिन जो फाइबर हैं किनके बने हुए हैं, प्रोटीन के, ठीक है जी। जो ये प्रोटीन फाइबर हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बॉडी को शेप दे रहे हैं। तो जो इंटरनल स्केल्टन है, इंटरनल स्केल्टन को हम क्या कहते हैं, जो स्केल्टन इनसाइड स्केल्टन फॉर्म होता है उसको कहते हैं एंडोस्केल्टन। तो दे प्रोसेस इंटरनल स्केल्टन और एंडोस्केल्टन, जो किसका बना हुआ है, या तो कैलक्यूलेरियस स्पाइकल्स का बना हुआ है, कैलक्यूलेरियस स्पाइकल्स जिसके अंदर जिनकी जो सुइयां वो किसकी बनी होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, या फिर सिलिका स्पाइकल्स का बना होता है, ठीक है जी। अब क्या बात है, यानी मतलब क्या है इसका, जो किसकी बनी होंगी, सिलिका एसिड की, और स्पॉन्जियल फाइबर्स प्रेजेंट होगा जो बने होंगे प्रोटीन के। मतलब क्या है बच्चों, कि मीजोग्लिया के अंदर क्या है, कुछ स्टार्स जैसे, जो स्टार्स जैसा मटेरियल पाया जाएगा, और क्या है स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाएंगे। जो ये स्पाइक्यूल्स होंगे नीडल्स, ये तो बनी होंगी कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका एसिड की, और जो फाइबर्स है वो बने होंगे प्रोटीन के, ठीक है जी। ये बात इसके अंदर बताई गई है। एक बात और, जो इनमें से पानी जाता है वो क्या है, इनके सेल्स के अंदर छेद हो जाता है, ठीक है जी। जो साइटोप्लाज्म है उसमें छेद हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म छेद हो जाता है और वाटर करंट है इसी के अंदर से चलता है, ठीक है जी। आ क्या है, मीजोग्लिया के अंदर बच्चों कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो ये नॉन सेलुलर है पर इसके अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को कहा गया अमोबॉइड सेल्स, जिसके कारण ये क्या है, अमीबा जैसी मूवमेंट शो करते हैं, जो कुछ सेल्स हैं अमीबा जैसी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इनमें एक है आर्चियोसाइट, जिसे कहते हैं टोटी पोटेंट सेल, आर्चियोसाइट से एक एग्जांपल है, जिसे कहा जाता है टोटी पोटेंट साइट, और ये टोटी पोटेंट सेल जो है आर्चिनोसाइट है, ये आगे जाके एक बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। अब बच्चों एक बात हो रही है कि जो दीज आर होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में ये होलोजोइक है, ठीक है जी, यानी मुंह से खाते हैं, और डाइजेशन इंट्रासेलुलर है।
इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी सेल के अंदर डाइजेशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा पुराने हैं ये, प्रीमेटिव है, बहुत ज़्यादा प्रीमेटिव एग्जाम्पल है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का। अब इसके अंदर होता है क्या है मतलब, तो बच्चा जो इसका फ्लैजिला है, देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब क्या था, जो वाटर करंट था वो बॉडी के अंदर आ रहा था, ठीक है जी, पानी के अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, और जो यहाँ से माउथ से पानी बाहर जा रहा है, तो ये जो फ्लैजिला है ये ना कुछ ऐसे मूवमेंट करते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो वाटर क्या है ऊपर फ्लो होता रहेगा, वाटर क्या है ऊपर फ्लो होता रहेगा और बाहर निकल जाएगा। और इन फ्लैजिला के अंदर जो वाटर जब जा रहा है तो इस फ्लैजिला पे क्या है म्यूकस होता है, क्या है स्टिकी सब्सटेंस है, म्यूकस प्रेजेंट है फ्लैजिला पे, जो क्या करेगा जो वाटर से फूड मटेरियल आ रहा है वो इसके पास चिपक जाएगा, और इसके पास चिपक जाने के बाद वो क्या करेगा इसके अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाके क्या होगा यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगी उसकी, जो फूड की सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाएगी, इसलिए इसे इंट्रा सेलुलर भी कहा गया। मतलब क्या होगा देखो एक दूसरे डायग्राम से, ठीक है जी, ये क्या है कैनोसाइट का एक डायग्राम है, इसके अंदर क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला के बाहर क्या है कोलर प्रेजेंट है, ठीक है जी, जिसमें म्यूकस है, अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब जब वाटर करंट के थ्रू जब पानी इसमें अंदर आता है बॉडी के अंदर किसके थ्रू, ओस्टिया के थ्रू, तो क्या है म्यूकस है, ये जो म्यूकस प्रेजेंट है स्टिकी सब्सटेंस, ये क्या करता है फूड को अपने पास चिपका लेता है, और फूड को अपने पास चिपकाने के बाद ये क्या करता है उसको सेल के अंदर ले जाता है, सेल के अंदर ले जाकर यहाँ न्यूक्लियस के पास ये खाना क्या होगा डाइजेस्ट हो जाएगा, ये खाना यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर नहीं होती इसलिए ये क्या शो करता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है जी, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, हमारे अंदर कैसे क्या है एक पाइप है एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है जी, तो क्या होता है जब हम फूड खाते हैं तो जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं डाइजेस्टिव जूस को छोड़ती हैं, वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है एलिमेंट्री कैनाल में जाकर उस फूड को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है जी, वो सेल के अंदर नहीं होता वो एक्स्ट्रा सेल होता है सेल के बाहर होता है, तो उसे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लाइक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी। और जब सेल के अंदर होता है जैसे काइनोसाइट्स के अंदर फूड डाइजेशन हो रहा है उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्या कहा जाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है जी। ये काइनोसाइट्स देख लीजिए अब क्या कर रहे हैं वाटर करंट को मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है जी, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं पानी की, क्योंकि ये पानी की मूवमेंट कैसे कर रहे हैं जब पोर्स से अंदर पानी आ रहा है तो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ये फ्लैजिला को अपने ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, कैसे ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या कर रहे हैं पानी को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं जब इन पर कुछ चीज चिपक रही है तो वो क्या कर रही है फ्लैजिला से चिपक कर म्यूकस के थ्रू कोलर सेल्स के अंदर से उस सेल के अंदर जा रही है काइनोसाइट के, और वो क्या कर रहे हैं उसको वहीं पर डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और किस में हेल्प कर रहे हैं वाटर करंट में हेल्प कर रहे हैं। देन इनके अंदर क्या होता है कैनाल सिस्टम होता है, अब कैनाल सिस्टम किसे कहते हैं बच्चों, जो ये पानी अंदर आ रहा है और फ्लैजिला के थ्रू बाहर जा रहा है इसको कहा गया कैनाल सिस्टम। एक सिस्टम जिसमें वाटर एंटर द स्पॉन्जिस बॉडी, पानी एंटर होता है जिसमें स्पॉन्जिस बॉडीज के अंदर और एग्जिस्टेड और बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है जी, वो सिस्टम जिसमें स्पॉन्जिस बॉडी के अंदर पानी आ रहा है और बाहर जा रहा है, पानी आ रहा है और बाहर जा रहा है उसे, जिसमें क्या है पानी अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, उसे कहा गया कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होगा ओस्टियम है जो छोटे छोटे स्पोर्स है ओस्टियम, उसके थ्रू पानी अंदर आएगा, देन स्पंजो कोइला जो सेंट्रल बीच की कैविटी है, जो बीच की खाली जगह है इसमें पानी रहेगा, इसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, और देन जो ओस्कुला जो माउथ है बाहर ओस्कुला या ओस्कुलम उससे पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है जी, तो इसको हमने क्या कहा गया कैनल सिस्टम, कि ओस्टियम के थ्रू पानी का आना देन बॉडी कैविटी में रहना और ओस्कुला के थ्रू बाहर जाना, ये क्या है इसका कैनाल सिस्टम, ये क्या है कैनाल सिस्टम। तो एक क्वेश्चन जो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, काइनोसाइट्स क्या है, काइनोसाइट्स आर द करैक्टरिस्टिक सेल्स,
कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं इनके। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं वाटर करंट को, और फूड को भी क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। ठीक है जी। फंक्शन क्या है कैनाल सिस्टम का, ये पानी का अंदर आना और बाहर जाना क्या फंक्शन है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इसके हेल्प से काइनोसाइट्स क्या है अपने फूड को कैप्चर कर पा रहे हैं, और काइनोसाइट्स क्या कर पा रहे हैं अपने फूड को कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है जी बच्चों। सो आपके सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन रह गया है और हल्की सी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन रह गया है फाइलम पोरीफेरा का, देन ये फाइलम कंप्लीट हो जाएगा कल के लेक्चर में। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। और आपके क्या है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, सो प्रिपेयर फॉर इट। आज आपको उसका सिलेबस भी दे दिया जाएगा। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।